मध्य प्रदेश विधानसभा के बाकी के बजट सत्र से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद वे मीडिया के सामने रूबरू हुए और उसके बाद तल्ख अंदाज में अपने सवालों को एक बार फिर उठाया और कहा कि उन्हें सवालों के जवाब में उचित जवाब देने की बजाय सदन से ही निलंबित कर दिया गया। विश्व लोकतंत्र के की हत्या का है और हत्या कौन कर रहा है? जो सदन में जिसको रक्षा करनी चाहिए आजदी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने शपथ ली इस बात की कि मैं न्याय दोनों पक्षों के साथ करूं, उनने जिस तरीके का अन्याय किया ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिन। दूसरा विषय ये भी नहीं है कि मेरा निलंबन, एक सदस्य का निलंबन हो गया। सवाल क्या था कि आप 3-4 लाख करोड़ का आपने कर्जा लिया, इस कर्जे का कर क्या रहे हो? तो आज ही अखबारों की खबरें हैं कि 40 करोड़ रुपए के पिछले समय इन्हें हवाई जहाज चलाए। ये आज ही ये प्रश्न के उत्तर में 35 जगह बीजेपी के कार्यालय पर भोजन गया, ये प्रश्न है, ये पिछली बार का है। जब इन मैंने लास्ट टाइम भी उठाया था तो नरोत्तम मिश्रा जी ने सदन में आपको बुलाकर मुझे कहा था कि आधे तथ्य दिए हैं, बिल हमने पेश की, बिल हमने बीजेपी के कार्यालय से पे कर दिए हैं। इसके लिए मैंने उसी विभाग से 4 बार चिट्ठी लिखकर पूछा कि जो बिल नरोत्तम जी को दिए वो मुझे भी उपलब्ध करा दें, एक बार भी नहीं दिए, रिसीव्ड है मेरे पास। दूसरा, जब मैंने विधानसभा में यही प्रश्न रेस किया कि पिछला सदन का उत्तर आया है जिसमें बीजेपी के कार्यालय में लंच का डिनर का 400 रुपए की एक चाय, इसी में 400 रुपए की एक चाय बीजेपी कार्यालय में पिलाई गई, तो जब ये सवाल है तो नरोत्तम जी को आपने जो बिल दिए जिसके लिए विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, विधानसभा के अंदर नेता ने सदन के कहा अरे भाई आप तो झूठ बोलते हो, कोई ऐसा बिल हुआ ही नहीं, ऐसा खाना खिलाया ही नहीं।